चमत्कारी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कुंजपुरा जो सड़क जाती है, और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है, चार गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि आगे एक ऑटो खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं वो रुका हुआ था, जिस कारण ये हादसा जो है वो बताया जा रहा है। देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी को यहाँ से ले जाया गया है और एक गाड़ी ये देख सकते हैं टाटा की, और एयरबैग तक खुल जाते हैं गाड़ी के। काफ़ी ज़ोरदार हादसा जो है वो देखने को मिलता है, किस तरह से देख सकते हैं चार गाड़ियों के अंदर ये हादसा हुआ, और एक हैरियर गाड़ी थी, और देख सकते हैं किस तरह से। सर आपकी वह गाड़ी है कोई? मेरे भाई की है जी। क्या हुआ सर, कैसे हुआ? ये ऑटो वाला यहाँ खड़ा था सड़क के बीच में और घास ढो रहा था उसमें टेम्पो में, तो इस कारण उसको बचाने के चक्कर में इसने ब्रेक ली, पीछे गाड़ियों का डिस्टेंस कम था तो चार पांच गाड़ियाँ आपस में टकरा दी। तो ऑटो वाला बीच रास्ते में खड़ा था? हाँ, उनका आपको पता है वो सवारियाँ भी मिलती हैं या उतारनी होती है तो वो बीच में उतारते हैं। हाँ जी, मेरे भाई की थी। जहाँ मन करते हैं वहीं ब्रेक मार देते हैं। यहाँ पर इसके ऑटो था, उधर से घूम के वो घास गिर रहा था तो आधी सड़क उसने कहा, चार पांच गाड़ियों का नुकसान है। में थे, एक कोई ब्रेक लगी पीछे से लगातार गाड़ी। हाँ, गाड़ियाँ पीछे से गाड़ियाँ लगी चार पांच, मतलब किसी का भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं था, एक रुकी तो चारों। हाँ, चारों का नुकसान ज्यादा है पर कोई वो नहीं है, चोट नहीं है किसी। देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों के अंदर नुकसान जो है हुआ है। ऐसा ऑटो वाला ये देख सकते हैं अंदर झाड़ियों में उतर जाता है जब टक्कर लगती है, जिसके बाद ऑटो देख सकते हैं किस तरह से खदानों के अंदर उतर जाता है और गाड़ियों का आगे पीछे से नुकसान हुआ है। ये तमाम गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये गाड़ी हुई है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों के पर खच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। एक ये गाड़ी है फोर्ड की गाड़ी HR058W0648। सर ये आपकी गाड़ी है? कैसे हुआ सर, क्या हुआ था सब? बस मेरे तो सबसे लास्ट में थे जी, आगे कहते पहली गाड़ी के सामने ऑटो आ गया जी, तो अचानक से आ गया तो उसकी उसमें लगी जी। अब गैप ज़्यादा था नहीं तो क्योंकि गन्ने के ट्रैक्टर चल रहे थे तो नीचे से जा रहे थे, स्पीड भी कोई ज़्यादा नहीं थी 40-50 की स्पीड में। अब मुझे तो पता नहीं कि अगले ने ब्रेक भी लगा ली। अच्छा, लगती चली गई चार गाड़ी लगा, चार गाड़ी कटने लगी। हाँ जी, तो चोट तो नहीं आई? नहीं, बचाव ना बचाव का स्पीड तो बताया कि आगे कोई रुका हुआ था ऑटो वाला। ऑटो वाला अचानक से अगली गाड़ी के आगे आया। अच्छा, तो उसने आगे वही है, एकदम से ब्रेक ली है, घास वगैरह ये ऑटो ना। हाँ जी, ये ऑटो खड़ा ही है तो ये घास वगैरह इसमें कुछ लोड करना था, पड़ा है ना जी। मेन कारण ये है जी, हम भी कई बार बच गए जी गाड़ी लेके, डस्ट है जी मेन कारण, रोड पे पड़ा है ना कई बार, इसके कारण कट लग जाए जी। ये पड़ा बिल्कुल रोड पे, डस्ट पड़ा है ये, ब्रेक लग गया। हम भी कई बार बच गए, हम भी गाड़ी लेके जाते हैं, मेन वो है डस्ट है जी, ये इसकी वजह से सारा हादसे होते हैं जी। ये क्यों, हम भी गाड़ी लेके कई बार हम खुद बच गए हैं जी, ब्रेक कई बार लोडिंग गाड़ी ब्रेक नहीं लेती टाइम पे, और ये डस्ट है जी, ये बीच में डस्ट पड़ी है जी, आप देख लो जी। ये देख सकते हैं किस तरह से चार गाड़ियों के अंदर जबरदस्त टक्कर होती है। लगते थाने से आईओ भी मौके पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। चार गाड़ियों में जी हां, चार गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हुई है। देख सकते हैं इस गाड़ी के भी एयरबैग तक खुल जाते हैं और हादसा कितना जोरदार रहा वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगते थाने से पुलिस की टीमें भी मौके पर हैं जी हाँ, लगते थाने से पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। आईओ से बातचीत कर लेते हैं। आईओ सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी यहाँ पर पहुंचे थे आप? भाई अभी थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कल वेडिया वाई पट्टी के पास चार गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, आपस में भिड़ गई है, तो सूचना पाकर के हम मौके पे आए थे। तो कारण पता लगा है, क्या कारण था? भी कारण था मान लो एक औजार ट्रैक्टर ट्राली जा रहा था गन्ने की, उसको ओवरटेक कर रहे थे गाड़ी वाला, साइड में एक टेम्पो भी बता रहे खड़ा था, तो आगे वाली गाड़ी वाले ने ब्रेक लिया तो पीछे से गाड़ी जो आ रही थी वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं था जी, डिस्टेंस मेंटेन नहीं था तो सिर्फ करते सारी गाड़ी आप एक के बाद एक आपस में टकरा गई। तो किसी को चोट नहीं आई, बचाव है, नुकसान है। हाँ, गाड़ियों का नुकसान है, कोई आपस में कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, नहीं चाहता, नहीं कोई कार्रवाई नहीं चाहते। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है, बताया जा रहा है कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई इनकी मांग नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं हादसा जो है अचानक हुआ है। जी हाँ, हादसा जो है अचानक हुआ है। किस तरह से आप देख सकते हैं ये गाड़ी के एयर बैग किस तरह से खुल जाते, कितना जोरदार ये हादसा रहा है। मालिक यहाँ पर मौजूद है, हालांकि साफ तौर पर कह रहा है कि कोई कार्रवाई की मांग नहीं करते। सर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए? नहीं,
नहीं, अचानक हुआ इसलिए सर। हाँ अचानक, किसी की क्या गलती, गलती नहीं है इसमें। हाँ, क्या गलती है जी इसमें? आप देख सकते हैं, अच्छी बात है, देख सकते हैं कितना अच्छा मैसेज जाएगा इसे कि कार्रवाई नहीं चाहिए क्योंकि किसी की गलती नहीं है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए जाते। इतना अच्छा मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं इन गाड़ियों द्वारा कि जो किसी की भी गलती जो है इसके अंदर नहीं बताई जा रही, जिसके कारण आपको बता दूं कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर रही है। ऑटो जो है वो खड़ा हुआ था, बताया जा रहा है इस ऑटो के पीछे हैरियर लगती है, हैरियर के पीछे इनोवा थी, उसके पीछे फोर्ड गाड़ी थी। देख सकते हैं ऑटो किस तरह से खदानों में उतर चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरी आप सभी से अपील है, ये देख सकते हैं ये झाड़ियाँ और घास जो है वो लोड हो रही थी इसके अंदर, किस तरह से ये हादसा जो है देखने को मिलता है, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं कि टाटा ये पीछे से लगी है, नेक्सोन है टाटा की, और ये पीछे से लगी है और आगे से लगी है, इसका भी एयरबैग तक जो है वो खुल जाते हैं। जी हाँ, टाटा की हैरियर, उसके बाद टाटा की नेक्सोन, फिर इनोवा, फिर आपको बता दूं फोर्ड की गाड़ी है। इस गाड़ी के भी एयरबैग तक खुल चुके हैं, देख सकते कितना जोरदार हादसा जो है दिखने को दिख रहा है। हालांकि हमारे आने तक यहां से एक गाड़ी को ज़रूर ले गए, देख सकते हैं इस गाड़ी के भी एयरबैग तक खुल जाते हैं। हालांकि कार्रवाई की कोई भी मांग नहीं कर रहा, कार्रवाई की कोई भी मांग नहीं कर रहा, क्योंकि हादसा जो है एकदम से हो जाता है। भैया ऑटो वाले कहाँ हैं, ऑटो वाले किसके हैं? ऑटो वाला तो पता नहीं, आप उस समय यहीं पर थे जब हुआ ऐसा? घबरा के चला गया, घबरा गया जी, वो बचाओ उसका बंदा खुदा ने जी। तो उस समय यहाँ पर कौन था जब ये हुआ गाड़ियों का, किसी ने देखा था? नहीं देखा किसी ने जी, ऑटो साइड में खड़ा था जी, ओवरटेक कर रहे थे, उस टक्कर लगी उसमें जी, चार ने ठुके जी। मतलब मेन ओवरटेक का मामला था, ओवरटेक का मामला था। तो आप देखिए गाड़ियों को, देख सकते हैं किस तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि ऑटो अचानक से ये आगे आ गया, जिस कारण ये हैरियर जो है सबसे पहले काले रंग की इसके अंदर लगती है, उसके बाद एक के बाद एक चार गाड़ियां लगती हैं, चारों गाड़ियां पूरी तरह से खत्म जो है वो हो जाती हैं। आगे से देख सकते हैं गाड़ी के, नई गाड़ी है बिल्कुल, टाटा की नेक्सोन गाड़ी है, एयरबैग दोनों खुल जाते हैं, देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर। उसके बाद आपको बता दूं एक और गाड़ी थी इनोवा, वो यहां से ले जाते हैं, और ऑटो देख सकते हैं कितनी जोरदार जो उड़ के खदानों के अंदर चला जाता है, तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और लोग किस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे ही पता लगता है आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और आपको बता दूं पुलिस की टीमों को जरूर बुलाया गया था, हालांकि साफ तौर पर गाड़ी वालों का यह कहना है कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। एक अच्छा मैसेज यहां पर जरूर नजर आता हुआ दिख रहा है, भगवान का शुक्र इतना है किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरह से जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती, पर यहां पर हादसा जो है अचानक हुआ, इसलिए कोई भी कोई किसी के ऊपर कार्रवाई की मांग नहीं करता हुआ नजर आ रहा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देख सकते हैं आगे पीछे से नेक्सोन पूरी तरह से नई नेक्सोन है, खत्म हो जाती है। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, इस वीडियो को देखिएगा भी जरूर, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, और कमेंट के अंदर बताइएगा क्या इस तरह से ये ऑटो जो है साइड पर रुक जाते हैं वो ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऑटो जो है साइड पर रुका था, जिस कारण सबसे पहले एक गाड़ी जो टाटा की हैरियर थी वो इसके बाद लगी है इसके पीछे, और उसके बाद एक के बाद एक चार गाड़ियां लग जाती हैं। भगवान का शुक्र है इन गाड़ियों की कुछ पेट में नहीं आया, और चोट से भी सबका बचाव रहा है, और साफ तौर पर गाड़ी वाला का कहना है कि हम किसी के ऊपर भी जो है वही कार्रवाई की मांग नहीं करते। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। इनोवा गाड़ी को यहाँ से ले गए हैं, और ये देख सकते हैं एक टाटा की ये फोर्ड गाड़ी है, जी हाँ टाटा की ये फोर्ड गाड़ी है, ये भी देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। धन्यवाद।